कभी सास कभी बहु। लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब खड़ी क्या खूब खड़ी। How are you, Shalu? I'm good. Oh, looking beautiful, Printer. Hema. Hi, Hema. Hi, Shalu. ये सुबह सुबह? हाँ वो. ओ तुम सबसे अच्छी सासू माँ के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो? क्या? ये है ना? प्रिंट साड़ी का चलो काम करो अपना। हाँ तो तुम क्या कह रही थी शालू? मैं हाँ वो तुम सबसे अच्छी सासू माँ के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो? नहीं यार वो तो मेरी सास कर रही है। तो क्या हुआ उन्हें पार्टिसिपेट करने दो तुम भी करो मैं भी तो कर रही हूँ लो फॉर्म भर दो। क्या कह रही हो यार अच्छा थोड़ी लगता अपनी सास के साथ कम्पीट करना। अच्छा वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सासू माँ ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगी? मेरी सासू पागल हो गई है तो मेरी सासू माँ इतनी इतनी झगड़ालू इतनी नखरेली इतनी बदतमीज इतनी नागिन इतनी तो ऐसी खांसती हूँ जैसे साक्षात मेरी सास सामने खड़ी हो। खड़ी है मैं नागिन। नहीं नहीं वो क्या है वो श्रीदेवी वाली नागिन। अच्छा मैं डायन वो सुपर मॉडल डायन हेडन और मैं झगड़ालू भी। बोल 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 आप बोलते रही हो आप हमेशा मुझे बीच में टोकती हैं। वो क्या है ना सासू माँ ये सब जो मैं कह रही थी ना वो आप नहीं हैं। अच्छा देखा आंटी हेमा आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती है। तू चुप कर इसकी वकालत मत कर। इस हेमा के बच्ची को तब पता चलेगा जब मैं बेस्ट सास का अवार्ड जीतकर घर ले आऊंगी। तो आपको पूरा यकीन है कि आप ये अवार्ड जीत जाएंगी? और नहीं तो क्या किसकी मजाल जो मेरे सामने ये अवार्ड जीतकर घर ले जाए। ब्रावो मदर इन लॉ तो आप कॉन्फिडेंट है कि ये आप ही जीतेंगे? हाँ ऑफ कोर्स और नहीं तो क्या मम्मी जी अगर आप ही दादी माँ के सामने खड़ी हो जाएंगी ना तो देखिएगा मेरी दादी माँ ही जीतेंगी। अरे मेरा पूरा सपोर्ट है इन्हें। वाह विशाल एक काम कर मुझे फॉर्म दे दे मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है मामा ऑल द बेस्ट दादी माँ ऑल द बेस्ट लव यू मम्मी मैं भी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट दादी माँ। अटेंशन प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस द जजेस प्लीज। आप हैं मिसेस पूजा देव। हाय हाय हाय। और आप हैं मिसेस बकुला कोयल। हाय हाय मिस कोयल। आप दोनों ही आज के कॉन्टेस्ट की ऑब्जर्वर हैं। ओह रियली? और मोहल्ले की सारी सासों का इंटरव्यू और टेस्ट आप दोनों ही लेने वाली हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अंतिम फैसला भी आप दोनों ही देने वाली हैं। अच्छा। तो मिसेस देव और मिसेस कोयल इस प्रतियोगिता की बागडोर अब आप दोनों के हाथ में है। एक्सक्यूज मी किसके हाथ में बाग है और किसके हाथ में डोर है? एक्सक्यूज मी ओके मिसेस अवस्थी अब हमारा पहला राउंड शुरू होता है जिसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूछिए पूछिए पूछिए। सवाल पहला यहाँ किचन किसके हाथ में है? खाना कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ खाना। खाना ये बनाती है मेरी देखरेख में बनाती है। देखरेख से इनका मतलब है पहरे में। ताकि खाना बनाते वक्त बहू जो भी गड़बड़ करे वो मर्दों को ना पता चले। वैसे मैं मेरी बहू के बारे में बहुत ही प्रोटेक्टिव हूँ। प्रोटेक्टिव? ओह राइट या जी वो दादी वाला मम्मी जी को बिल्कुल अपनी हिरासत में रखती है। हिफाजत में रखती है। अच्छा आपके यहाँ नौकरानी है? है ना। बड़ी कॉमेडी टाइप है मजाकिया। तभी आते जाते ये इसका मजाक उड़ाती रहती है। हमारे पास दो दो नौकरानियां हैं एक्चुअली। एक मैं चंपा। जी मैम साहब। बेटा आ गए ये बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। चल काम कर। वो इनाम अभी देंगी या इनके जाने के बाद?
ये भी बिल्कुल कॉमेडी टाइप लड़की है, चल अंदर जाके काम कर। ओके, जब नौकरानी नहीं आती है तो घर का काम कौन करता है, सास या बहू? सास। बहू। अरे यानी कि मैं? नहीं, यानी कि मैं। नहीं नहीं, नहीं, मैं। एक्सक्यूज मी, इस सवाल का जवाब मैं दूं? हाँ हाँ। जब हमारे यहाँ नौकरानी नहीं आती है तो इस घर में ना तो सास काम करती है ना बहू, तीन मर्दों को काम करना पड़ता है। हाँ, डैडी कपड़े धोते हैं, दादाजी झाड़ू पोछा करते हैं और खाना मैं बनाता हूँ। वंडरफुल, हमारा पहला राउंड यही खत्म हुआ। Let's go. Yeah. Oh, you're going? Bye. Thank you so bye. Much. It was such a pleasure bye. Having you. Please do come again. Thank you so much. Bye bye. Nice meeting you. तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? और तुमको बीच में होने के लिए किसने कहा था? हम आपकी मदद कर रहे थे. कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू. मेम साहब हमारा इनाम दे रही हो ना? अरे इनाम इनाम कुछ नहीं, ये नाटक तो मैंने उन दो रंभाओं के लिए किया था. तो हमने भी ये नाटक इनाम के लिए किया था, वरना हमारी सास ने बोला था कि आज घर का सारा काम तुम करोगी. बोली मैं प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ. सुना नहीं, इनाम इनाम कुछ नहीं, जा जल्दी से जाके काम कर. तो आज हम भी काम नहीं करेंगे. चल चली जा, लो काम छोड़कर चली गई. तू कर घर का सारा काम. मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? आप इन्हें सबसे अच्छी सास आप करिए. मैं काजल है ना, ये आपकी लाड़ी. देखिए मुझे बीच में मत घसीटिए, वरना वरना बोली वरना क्या कर लेगी, वरना सास से कंपटीशन बाकी है अभी. करेक्ट करेक्ट, धमकी दे रही है. अच्छा ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ. आप क्यों हंस रही है, आप करिए ना. काम मुझे ही करना होगा. सॉरी, देखो काजल, घर का काम तुम्हारा काम है. मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूंगी. मैं नो नो, आप ही करेंगे. काम चोर बहु, मैं तो नहीं बाबा काम करूंगी. ओ डैडी, बाथरूम में कपड़े भीगे हुए पड़े हैं. हाँ डैडी, वो झाड़ू पोछे की बाल्टी उधर रखी. बेटा जा सब्जी काट. अरे धीरे धीरे, मंदिर की घंटी नहीं है घर की बेल. हाय शालू, हेमा कहाँ है? क्या हेमा, मैं हूँ ना. अरे हेमा कहाँ है, मुझे उससे काम है. वीरू अंदर है. शालू और आपा, हेमा वो लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं. कौन लोग? अरे कंपटीशन के जज. क्यों? अरे अचानक ये देखने कि सास अपनी बहू के साथ कैसे बिहेव करती है. अरे यार नो प्रॉब्लम, हम लोग तो बस डिनर पे बैठने वाले थे. हाँ, तो थोड़ा नाटक शाटक करना उनके सामने. नाटक? हाँ, उनको लगे कि सास कितनी अच्छी है. अगर सास अच्छी लगने लगे तो मेरा पत्ता नहीं कट जाएगा. अरे मेरा मतलब तुमसे ही है स्टूपिड. वो क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी नाटक किया. मैंने अपनी बहू को खाना बनाते वक्त ना इतनी बुरी तरह डांट दिया, रोने बैठ गई. और मैंने देखा ये कोयल मैडम और देव मैडम आ रही है. अचानक से मैंने पलटी मारी और मैंने अपनी बहू को पूछा, अरे बेटा क्या बात है, रो क्यों रही हो, माँ की याद आ रही है, तो चले जाओ ना, मेरे मार्क्स बढ़ गए. बहुत नॉटी हो तुम एकदम. काजल बेटा, तुम क्यों सर्व कर रही हो, तुम जाके बैठ कर खाना खाओ, मैं सर्व करती हूँ. नहीं मम्मी जी, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ, आप ही ने तो कहा था कि बहू को सबसे आखिरी में खाना खाना चाहिए. नहीं बेटा, वो तो मैं अपने बारे में कह रही थी. और सुनो, तुम बहू कहाँ हो, तुम क्यों मेरी बेटी हो? कपट, क्या कर रही हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए बेटा तूने. हेमा, तुझे मायके नहीं भेजा इसलिए तूने अच्छा सबक सिखाया है मुझे. अभी आती हूँ, अभी आती हूँ. अब बैठ, बैठ बेटा, बैठ, बैठ करती. ना 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 बेटा, बैठ बैठ. बहुत गलत बात है मम्मी जी, अपनी सास को भला कोई इतना तंग करता है. बैठ. क्या हुआ? नीचे से मारती हूँ, ऊपर से पूछती क्या हुआ. आई मॉम बड़ी कॉमेडी टाइप लड़की है, हमेशा मजाक करती है. क्या कर रही हो तुम, कुछ समझ आता तुम्हें?
लगता है ना बेटा थोड़ी कट्टे वंडरफुल हमारा सेकंड राउंड यानी कि सरप्राइज राउंड पूरा हुआ. अच्छा अब हम लोग चलते हैं. क्या कर दिया सब हेमा तुमने. कम ऑन सब मेस कर दिया पूरा टेबल मेस कर दिया. अरे बेटा सिर्फ टेबल ही नहीं देखो कपड़े भी. हाँ यार आप लोग मुझ पे क्यों भड़क रहे हो. ये सब इस दुष्ट काजल की वजह से हुआ है. दुष्ट दुष्ट तुम हो. जानबूझकर मुझ पर चावल गिरा दिया ताकि जजेस के सामने मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊं. मैंने नहीं इसलिए खाना गिराया. तू नहीं. मैंने क्या किया. मैंने तो सिर्फ चावल गिराया और आपने इतनी जोर से लात मारी मुझे. सब लात मारी मेरी जूती. जूती तो मारी इतनी जोर से. मैंने लात मारी थी काजल. क्या और नहीं तो क्या. जजेस के सामने तुम मम्मी के खिलाफ कैसी हरकतें कर रही थी. मैं और क्या करता. बताओ बताओ और मुझे कह रही है. हाँ मुझको कैसे लात मारी. प्लीज प्लीज अभी गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है. ठंडा ठंडा पानी लीजिए मम्मी. नहीं चाहिए मम्मी. अरे बस बस क्या कर रहे हैं आप लोग. ये एसएमएस आया है. प्रतियोगिता वालों ने हमारे घर पर सीसीटीवी लगाया है. क्या मतलब छुपा हुआ कैमरा. हाँ वही छुपा हुआ कैमरा ताकि वो सब हमारी सारी हरकतें देख सकें. मम्मी जी हेमा बेटा बेटा हेमा मेरी बेटी बैठो बैठो. मैंने आप बड़ी हो आप बैठो. कभी सास कभी बहू कभी सास कभी बहू. अरे गुड मॉर्निंग सब लोग उठ जाओ चाय नाश्ता कुछ मिलेगा या नहीं. मॉर्निंग टी प्लीज मॉर्निंग टी. हेमा हेमा ये हेमा के बच्चे किसी काम के नहीं. क्या हुआ क्यों चिल्ला रही है मम्मी जी. नाश्ता तैयार हुआ. नहीं एक्चुअली मैं बहुत लेट उठी. अभी अभी तैयार हुई हूँ. कैसी लग रही हूँ. चुड़ैल. थैंक यू थैंक यू. नाश्ता कौन बनाएगा. क्या हो गया आपको. सुबह सुबह आप दिमाग मत खाइए. अगर नाश्ता नहीं खिलाओगी तो बेचारी क्या खाएगी. यहाँ सब लोग नाश्ते के लिए रुके हैं. महारानी अभी सोकर उठी. मम्मी जी रात को सारा काम निपटाकर सोना पड़ा ना. आप तो आदर्श सास की तरह टाइम टू टाइम सोने चली गई. अरे बाबा तुम लोग आपस में झगड़ा ही करते रहोगे कि हमारे लिए नाश्ता भी तैयार करोगे प्लीज. नहीं मेरे पास टाइम नहीं है. मैं कॉम्पिटिशन में बिजी हूँ. कॉम्पिटिशन में बिजी हूँ. नाश्ता कौन बनाएगा. तुम्हारी अम्मा. आपने मेरी अम्मा. आप बीच बीच अम्मा को क्यों लाती है. आपको दहेज में क्या क्या नहीं दिया उन्होंने. आप कैसी बातें कर रही है. अच्छा वही तो आग लगाती रहती है फोन करके. वो तो हमेशा आपकी अच्छा बोलती है. आप ऐसे बोलते हो. बोलो बोलो बोलो. दादी माँ चली जाऊंगी. क्या कर रहे हैं आप लोग दोनों. सीसीटीवी. हेमा की अम्मा अच्छी मौसी. हेमा की अम्मा कितनी अच्छी है. थैंक यू मम्मी जी. एक्चुअली अच्छी है. नहीं 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 ऐसी बात नहीं है. आप सबसे अच्छी है. पर क्या है ना कि ये नाश्ता मेरी अम्मा नहीं आप की बहू अपने हाथों से बनाएगी. वेरी गुड शाबाश. कीप इट अप. कम ऑन एवरीबॉडी नाश्ता तैयार है. ओह माय गॉड बहू रानी इसकी क्या जरूरत थी. मैं आ रही थी ना नाश्ता बनाने. मम्मा तब तक तो लंच टाइम हो जाता. हेमा शालनी शालनी. ओ एक मिनट. जब भी वो आती है तुम क्यों उछलने लगते हो. कंट्रोल योरसेल्फ. ए शालू कोई नई खबर लाई है क्या. क्या वो लोग फाइनल राउंड के लिए तुम्हारे घर आ रहे हैं. फाइनल राउंड. हाँ रैपिड फायर राउंड. ये क्या होता है रैपिड. अरे जिसमें धड़ाधड़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसके फटाफट जवाब देने पड़ते हैं. ए तूने किया. हाँ लेकिन हार गई. क्या हो. मोहल्ले की सारी सासू हार गई हैं. रन में खाली दो ही सासू बच्चे हैं. कौन है. आप दोनों. पहला सवाल आपसे. से बहू बेटी होती है या नहीं. होती है होती है. मैं तो हेमा को अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ. क्यों हेमा. डेफिनेटली वो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानती है. इसलिए वो टाइम टू टाइम मुझे फटकारती है डांटती है. क्यों मुझे आज सुबह उन्होंने नोचा. देखिए
निशान है? नहीं, ये तो तेरे ही नाखून के निशान है। तू सुबह कह नहीं रही थी मम्मी जी अपने किचन में कितने बड़े बड़े छोटे से मोटे से मच्छर। मैंने शॉर्ट में जवाब दीजिए। शॉर्ट में दादी माँ को शॉर्ट पहनकर आना होगा? दादी माँ को शॉर्ट नहीं पहनना होगा, इनका मतलब है शॉर्ट में, मतलब संक्षेप में आंसर दीजिए ना। कभी बहू से तंग आती है? कभी कभी, बट नेचुरल। नहीं, मैं कभी अपनी बहू से तंग नहीं आती। नो, कभी कभी उल्टा मुझे लगता कि ये मुझसे तंग आ जाती होगी। क्यों काजल? क्योंकि कभी कौन ज्यादा पसंद है आपको, बेटा या बहू? बहू, क्योंकि बेटा तो कब का बहू का हो चुका है, अब क्या। बेटा, क्योंकि बेटा है तो ही बहू है ना। वेरी गुड। अच्छा, आप दोनों को ये नहीं लगता कि जो प्रेजेंट में आपके बेटे की वाइफ है उससे बेहतर वाइफ मिल सकती थी? एक्सक्यूज मी, मैं तो ये कहूंगी कि मेरे मोहित के लिए काजल जैसी अच्छी वाइफ कभी मिल नहीं सकती। मैं तो उल्टा ये तक भी कहूंगी कि काजल जैसी अच्छी बहू मुझे कभी नसीब नहीं होती। मुझे भी लगता है कि हेमा जैसी अच्छी बहू शायद ही मुझे कभी मिलती, शायद, और सस्ते में। सस्ते में? मेरे कहने का मतलब यह है कि शादी का सारा खर्चा इसके माँ बाप ने ही उठाया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक आखिरी सवाल, अगर आपको अपनी बहू से छुटकारा मिल जाए तो आपको खुशी होगी या दुख? एक शब्द में आंसर दीजिए। दुख। ओ, इसके साथ ही आदर्श सास वाला कॉम्पिटिशन समाप्त। रिजल्ट एक ही शब्द में उत्तर दीजिए। दीजिए आज। बाय। ओह, दैट्स फाइन, इट वाज वंडरफुल दैट यू केम, वी रियली एंजॉयड हैविंग यू ओवर, होप टू सी यू सून, इट वाज रियली वेरी। एक लाख जीतने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, और नहीं तो क्या, वरना तुझसे छुटकारा पाकर मुझे दुख होगा। मम्मी जी करनी अच्छी है आप, मुझसे अच्छी बहू आपको कभी नहीं मिलती। कॉम्पिटिशन जीतने के लिए बोलना पड़ता है, वरना मोहित के लिए एक से एक लड़की की लाइन लगी हुई थी। देखा जी, इतनी झूठी सास कभी किसी को नहीं मिली होगी। मैं तुझसे सहमत हूँ बेटा। कौन होगा? हेमा, 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 पता है तुम सबसे अच्छी सास का अवार्ड जीत गई। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, मम्मी जी, काजल जल्दी आइए। बाप रे बाप, क्या हो गया मम्मी जी, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? कहीं आग वाग लगी है क्या? नहीं, मम्मी जी, आग तो नहीं लगी, लेकिन ऐसी खबर है जिसे सुनकर किसी को जलन हो सकती है। कौन सी खबर? वो एक्चुअली, जरा दिल थाम के सुनिए, वो बेस्ट सास का अवार्ड योर्स ट्रूली को ही मिला है। क्या? हाँ आंटी, और मैंने जैसे ही हेमा का नाम सुना ना, भागते ही आपको न्यूज देने आ गई। अरे शालिनी, पूरी खबर सुनकर तो भागती। क्या मतलब? मतलब मुझे अवार्ड नहीं मिला? हाँ, मिला है, लेकिन डिवाइड करके। डिवाइड किसके साथ? आपकी अपनी सासू के साथ। इसका मतलब 1 लाख का इनाम इन दोनों को 50-50 डिवाइड करना पड़ेगा? Yes. लगता है किसी को जलन हो रही है मुझसे। कंग्रेचुलेशन मम्मी जी, कंग्रेचुलेशन दादी माँ। ये लीजिए 1 लाख का चेक। एक्सक्यूज मी। चेक लेने से पहले जरा ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो देख लीजिए। वीडियो? ये क्या है? आपके बिहेवियर का, जो हर राउंड के बाद हमने शूट किया है। अरे इसी वीडियो से तो पता चलेगा कि आप दोनों सास बहू में कितना मेलजोल है। तू कर घर का सारा काम। मैं क्या करूं? आप इन्हें सबसे अच्छी सास आप करिए। मैं कौन है? काजल है ना, ये आपकी लाड़ी। देखिए मुझे बीच में मत घसीटिए, वरना बोली, वरना क्या कर लेगी? वरना सास का कंपटीशन बाकी है अभी। करेक्ट करेक्ट,
ये सब इस दुष्ट काजल की वजह से हुआ है। हेमा की बच्ची दुष्ट तुम हो, जानबूझकर मुझ पर चावल गिरा दिया ताकि जजेस के सामने मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊं। मैंने नहीं, इसने खाना गिराया। तूने? मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ चावल गिराया और आपने इतनी जोर से लात मारी मुझे। सब लात मारी मेरी जूती। एक लाख जीतने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, और नहीं तो क्या, वरना तुझसे छुटकारा पाकर मुझे दुख होगा। मम्मी जी किरणी अच्छी है आप, मुझसे अच्छी बहू आपको कभी नहीं मिलती। कॉम्पिटिशन जीतने के लिए बोलना पड़ता है, वरना मोहित के लिए एक से एक लड़की की लाइन लगी हुई थी। तो मिसेस अवस्थी एंड मिसेस अवस्थी, आप लोगों की अवस्था देखकर हमने ये इनाम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने की व्यवस्था कर दी। ये सब तेरी है, तू झगड़ा करती रहती है। कितनी बार तुझे समझाया, समझ से नहीं। बिल्कुल गलत बात बोल रही है, नौटंकी हो तू। आप ही नौटंकी है, ऐसे थोड़ी आते हैं। बंद कर दीजिए। ओह यू शट अप। हां तूने चावल गिराया था उसी मेरे ऊपर। ये असली बुरी बात। तू हमेशा लगे रहो, लगे रहो सासू, लगे रहो। अगले साल बेस्ट नहीं तो वर्स्ट सासू का अवार्ड तो मिल जाएगा ना। हां ओह शट अप।